नंबर एक, हक निकाह के बाद औरत का असली घर उसका ससुराल ही होता है और माँ बाप से ज्यादा हक अल्लाह ने शौहर का रखा है। नंबर दो, सुकून बीवी को चाहिए कि अपने घर को शौहर के लिए सुकून की जगह बनाए। नंबर तीन, नाराज जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो तो उस औरत की ना नमाज कबूल होती है और ना ही कोई नेकी कबूल होती है। नंबर चार, खौफ, अच्छा शौहर पाकर भी शिकायत करना कि शौहर अच्छा नहीं, ये अल्लाह की अता करदा नियामत में शिकायत करना है। खौफ करो अपने रब से कहीं अल्लाह तुमसे ये नियामत छीन ना ले। नंबर पांच, मर्तबा शौहर का मर्तबा बीवी पर इस कदर बुलंद है कि बीवी अपने शौहर के जख्मों को जुबान से चाट कर भी साफ करे तो वो उसका हक अदा नहीं कर सकती। नंबर छह, सजदा अल्लाह अगर आपस में बंदों को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को देता कि शौहर को सजदा करे। नंबर सात, इज्जत जैसे तुम इज्जत का मुतालबा करती हो वैसी इज्जत और मोहब्बत अपने शौहर को भी दो जिसके वो शरई तौर पर ज्यादा हकदार हैं। नंबर आठ, जहालत रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह जहालत और इल्म से दूरी है।